सो so, हेलो दोस्तों एंड आज संडे है सोचा तो कि फ्री टाइम है तो मैं दो वीडियो अपलोड कर देता हूँ बिकॉज कल जो पंचायती राज वाला वीडियो था वो आज के लिए था मतलब एटीन ऑफ तो दिसंबर के लिए था पर सोचा कि अगर टाइम है तो क्यों ना दो सौ दो सौ का क्वेश्चन कवर कर लिया जाए है कि नहीं तो यस दिस इज अ टू हंड्रेड पार्ट पार्ट नॉट पार्ट ये दो सौवा क्वेश्चन है एंड हमारे लगभग हम कितना आ गया टू थर्ड ऑफ हमारी जर्नी पूरी हो गई है जनवरी के पहले की सो गाइज आई एम डूइंग इट रैपिडली बिकॉज मैं ट्वेंटी टू से ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सिक्स तक मैं नहीं रहूँगा ट्राई टू अपलोड एज मैनी कैन बट लेट सी कैसा होता है क्या होता है बेसिकली इसका तो मैं अपलोड कर दूंगा बाकी आप देख लीजिएगा जो करंट अफेयर्स वाला वीडियो है वो शायद मैं नहीं करूँ एंड दिस इज आवर टारगेट थ्री हंड्रेड क्वेश्चन सीरीज सो दिस सीरीज क्या है ये सीरीज ये सीरीज मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है सबको पता है ठीक है एंड आई एम फ्रॉम बिलासपुर पास आउट फ्रॉम आई रायपुर एंड दिस सीरीज एम्स टू कवर अप टू थ्री हंड्रेड क्वेश्चन बिफोर जनवरी एंड हम लोग कंटिन्यू किया मैंने और आप लोग की सहायता से हम लोग आगे पढ़ चुके हैं एंड हंड्रेड बिफोर प्री इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू मेमोराइज ऑल द आंसर्स जितने भी आंसर आपको चाहिए सब मेमोराइज होंगे बिकॉज मैं कई क्वेश्चन रिपीट भी करता हूँ एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज सो पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 7 दिसंबर 2016 को बलवीर जुनेजा इंदौर स्टेडियम रायपुर में दामिनी सेन को सम्मानित किया आपका संबंध क्या है शास्त्रीय गायन कुचिपुड़ी नृत्य दिव्यांग मेघावी छात्रा महिला सशक्तिकरण कि इनमें से कोई नहीं तो देखिए बल बल है ना बलवीर तो आप ऐसे बल से क्या है बाल बालक बालिका है तो क्या है बालक बच्ची हैं तो क्या होंगे दिव्यांग मेघावी छात्रा ओके इसका आंसर है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व किशोर साहू का जन्म की जन्म शताब्दी समारोह इस वर्ष छत्तीसगढ़ शासन ने आयोजित किया तो किशोर साहू जो है वो किस जिले से संबंधित है वो जिले संबंधित है रायगढ़ बिलासपुर राजनांदगांव कि सरगुजा कि इनमें से कोई नहीं तो आंसर है राजनांदगांव वो राजनांदगांव से संबंधित है ठीक है कुशोर साहू और कौन संबंधित थे ठाकुर प्यारलाल सिंह ठीक है मतलब एक तरह से बता रहा हूं बस याद करने के लिए तो दिसंबर 2016 में छत्तीसगढ़ का खैरपुर प्रथम कैशलेस गांव घोषित किया गया या, या किस जिले में है दुर्ग रायपुर बलरामपुर रायगढ़ की इनमें से कोई नहीं तो आंसर है रायगढ़ ठीक है ना खैयरपुर जो है वो रायगढ़ में है अब इसको कैसे याद करोगे वो आप देख लो बेसिकली ऐसे तो थोड़ा बहुत होता है कि एक बार देख लोगे फिर हो जाएगा सो so नाउ रिजर्व बैंक की वित्तीय प्रबंधन मामलों में भारतीय राज्यों से संबंध में के संबंध में अपनी रिपोर्ट जाहिर की उस रिपोर्ट में क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ को विकास मूल कार्यों के में व्यय की दृष्टि से देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया राज्य घोषित घोषित किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य अपनी लैक का लक्ष का लक्ष्य कितना प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र में व्यय करता है लक्ष्य नहीं होगा कुछ और होगा ठीक है व्यय हो गया तो सामाजिक क्षेत्र में कितना हुआ? सोशल सेक्टर में 11.4, 21.2 की 15. तो आंसर है 15. ओके 15 परसेंट वो सामाजिक क्षेत्र में व्यय करता है नाउ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में 25 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है अगस्त 2016 में यह योजना प्रदेश के किन दो स्थानों में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई इसे महासमुंद इसे धमतरी कोरिया मुंगेरी सुकमा रायपुर रंजनगांव किसमें कोई नहीं देखिए सर्वप्रथम तो भाई सर तो अपने कैपिटल के, के आसपास ही होगी ना ऐसा सोच लेना एक तरह से उज्ज्वला योजना ठीक है तो उज्ज्वला योजना हुई थी राजनांदगांव और रायपुर में ठीक है दोस्तों Now, आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ शासन जनों विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत इस वित्तीय राशि का कितना प्रदान करता है तो वो है आपका पचास हजार रुपए अब आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में ठीक है कि दो हजार पंद्रह सोलह के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद दो हजार चौदह तो पंद्रह में वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि पर है तो देखिए ये जो है इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ऑप्शन दिया रहेगा तो दिया है तो ठीक है ना जो आपका इंडस्ट्रियल है उसके हिसाब से भी सेवन पॉइंट जीरो सेवन था आपका मतलब सीपीआई शायद तक सीपीआई आई डब्ल्यू करके मैं आपको बताऊंगा बाद में ठीक है तो इनमें से कोई नहीं तो आंसर हमारा सेवन पॉइंट जीरो सेवन में और में में भाव था 12.76 ओके अब आते हैं बजट बजट तो बज़ट के अनुसार कितने स्नातक को में किया जाएगा की, सो, सो, की दोस्तों इसका आंसर है चौदह ये बजट के हिसाब से है एंड अब आते हैं हम राज्य के अलंकरण पुरस्कारों में संस्कृत भाषा सम्मान किसे मिला है तो समय भाई शास्त्री को क्या मिला है हमारे सम्मान वो मिला है गुरुहासिया सम्मान डॉक्टर मनमोहन मनोहर तेक चंदानी को क्या मिला है बताइए आप लोग धनवंतरी सम्मान मिला है लक्ष्मीकांत शर्मा को मिला है हमारा संस्कृत भाषा सम्मान ठीक है चंदेश्वरी देवी ठाकुर क्या मिला है मिनी माता नरेश ने, मिश्रा को चंद चंदूलाल चंदा का सम्मान मिला है अब आप सोचेंगे मेरे को कैसे याद है क्योंकि जो पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि हम क्या करते हैं इसको रिवाइज तो गाइस दिस इज इट एंड इधर मत देखिए इनको सहीन वीर नारायण सिंह सम्मान सयन कुमार मंडावी राम फुल टोंडर चंद्रेश्वरी देवी ठाकुर समय भाई शास्त्री ठाकुर प्यारे सम्मान क्या बोलते गोयला की सहकारी विपणन संस्था हाजी हसन का हसन का हसन अली का जफर ठीक है महाराज प्रवीण चंद्र पंचदेव अभिलास राज रविशंकर शुक्ल विनोद कुमार शुक्ल चक्रधर सम्मान मिला है हमारे राजकमल नायक दाऊ मंदाराजी सम्मान किसको मिला है डी से दाऊ पंडित रविशंकर पंडित सूर्य कुमार तिवारी खूबचंद चंद मंगेल सम्मान डॉक्टर हैं तो इनको मिला लक्ष्मण कुमार पटेल को मिला है चंदूलाल सिन्हा का सम... नरेश मिश्रा मधुकर खैर स्मृति सम्मान मिला है समीर शुक्ला को दानवीर का डी दानवीर का दी, दी का डी डी और दिनेश ठीक है अब धनवंतरी सम्मान देख लिए जी को मिला है अब बिलासाबाई हम नहीं 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 लोग संस्कृत पास देख लिया डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा चार दिन चार क्वेश्चन और ठीक है सो बस्तर का बिरिया ढोल मांदर क्या है देखिए ये वाद्य क्या होता है ये मेरे को आप लिख के दीजिए और इसका आंसर है अन्न वंद्य अनवंद सॉरी अन्य वाद्य ठीक है, इसक, है इसका ये होता क्या है इसका आंसर दे दिए मुझे को ठीक है सो अपडेट फ्रॉम यू यूगा जैसे कि पता है कि ये मैं डालता हूं तो भाई अपडेट क्या है कि दिग्विजय साहू जी ने लिखा है कि सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा जो पीडीएफ में क्वेश्चन है इसका तो साहू जी मैं आपको बता रहा हूँ कि आई विल अपलोड इट टुमारो सारे पहले के जो तीन है उनके भी और साथ में आज जो मैं करूंगा उसके भी क्योंकि okay, आज दो सौ क्वेश्चन हो चुका है जो कल फिर आ जाएगा एंड प्लीज प्रोवाइडिंग आंसर्स यस मैम एल एंड यस जो प्रज्ञा ने बताया था कि इसमें आप लोगों ने बहुत सारे दो तीन ऑप्शन दिए थे मैंने शायद इंटरचेंज कर दिया था तो एंड पी डी एफ के लिए साइट बता दीजिए सर प्लीज़ तो सर पी डी एफ के लिए साइट में मैं आपको बताता हूँ अभी ये आप गए ठीक है आपने यहाँ पे खोला आप गए यूट्यूब मतलब आप तो चले ही जाओगे मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है वहाँ पे ये सब मत देखना ठीक है आप, मैं, मैं तो ऐसे सर्च मारता हूँ अपना चैनल बिकॉज बहुत कॉमन नेम कर दिया मैंने चैनल का ठीक है तो गाइज दिस इज इट एंड अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा पहला वीडियो ये मेरा वीडियो है जो आप लोगों ने देख लिया होगा ये मेरा मेरा आवाज आया है ठीक है एंड दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डू यू यूर सब्सक्राइब सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब सो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं आप वीडियो में जाएंगे हम जैसे कि मान लीजिए कल का वीडियो है ठीक है ये वीडियो था इसमें सोलह लाइक्स आ गए हैं अच्छी बात थैंक यू वेरी मच तो ये आपका पार्ट थ्री है यहाँ पे आप क्लिक करिए आप यहाँ चले जाएंगे ठीक है फिलहाल तो ये हमारे जो कंपनी से भाई साहब हैं वो नाटक करते हैं तो देखिए ये रहा आपका पार्ट एंड मैनी पीपल टोल्ड मी टू डू इट एट उन लोगों को पे करने में प्रॉब्लम होती थी, थी कि सर कितना पे करें एंड आप काम कर रहे हैं बट यू आर नॉट सब्सक्राइब यू आर नॉट फिक्सिंग अ प्राइस सो आई हैव टू प्राइ मिंग प्राइज मिनिमम टेन रुपीज़ यू कैन पे देन अदर थिंग यू एन वॉन्ट बिकॉज दिस थिंग अगर आपको पी डी एफ देख पे नहीं करना तो आप वीडियो देख के काम चला सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट अ पी डी एफ सो यू कैन गेट इट फ्रॉम ईयर सो बाई नाउ कर दीजिए और आपको मिल जाएगा आराम से एंड बट भाई मेरी बात बनती है जो पी डी एफ के जो आंसर्स है कल के जो पिछले तीन वीडियोज़ हैं वो मैं फ्री में दूंगा बाकी आप लोग के ऊपर है ओके सो यू हीयर यू कैन पे लाइक दिस ठीक है इस सो देट इज वॉट यू हैव टू डू नाव हम आते हैं खत्म करने पे तो गाइज इज़ इट एंड नाउ द लास्ट थ्री सेट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर एनी डाउट टू के मैसेज मी हियर एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सबसे बात बता रहा हूँ कि फोर्थ सेट जो है मैं कल डाल दूंगा आप लोग के लिए ठीक है सो हैव अ नाइस डे बाय